पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने महागठबंधन पर व्यंग करते हुए कहा कि गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग संवैधानिक पद के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों से बिहार में जनादेश का अपमान किया जा रहा है। शपथ लेने वाले संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करें और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में पूरी प्रमाणिकता और तथ्य के साथ बात करें, और अगर जो ऐसा नहीं करते हैं ये गुल्ली डंडा खेलने वाले लोग फिर संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। संविधान का शपथ लेने वाले संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करें और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में पूरी प्रमाणिकता और तथ्य के साथ बात करें, और अगर जो ऐसा नहीं करते हैं ये गुल्ली डंडा खेलने वाले लोग फिर संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कपड़ों की तरह गठबंधन बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में ठगबंधन का गठबंधन हुआ है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जो जंगल राज स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं उसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। खर्चा हुआ उसमें 25,000 करोड़ रुपया 13वां, 15वां और 14वां वित्तीय योजना के माध्यम से भारत सरकार ने दिया। आप क्या समझा रहे हो? आज बिहार के बजट का 2,37,000 करोड़ बजट है और किसी न किसी रूप में 1,70,000 करोड़ का बजट भारत सरकार के सहयोग से मिलता है, चाहे वो रेवेन्यू के तौर पर, ग्रांट के तौर पर या असिस्टेंट के तौर पर। क्या समझाना चाह रहे हैं बिहार के लोगों? नीतीश कुमार जी केंद्र के सहयोग से डबल इंजन की सरकार थी और लगातार गरीबों को ठगने का काम किया है। और जानकर बड़ा आश्चर्य होना साथी, गरीबों को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। नीतीश कुमार जी आप होश में रहिए, वैसे तो हम लोग समझते हैं कि आप थक चुके हैं। आप जिस तरह कपड़ा लोग बदलता है उस तरह सत्ता में बैठने के लिए आपने सत्ता का गठबंधन बदलते रहे हैं, और ये 8 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव बिहार की जनता ने दिया, लेकिन आपने लगातार कपड़ा बदल बदल कर उनको ठगने का काम किया।